ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप कमा सकते हो लाखों करोड़ों रुपए। अगर आप ऐसा सो रहे हो तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। वैसे जब तक मेहनत नहीं करोगे तो टाइम कैसे आएगा? और मेरे को पता है कि कई बार ऐसा होता है हम सबके साथ ही कि हमारे अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो एडिटिंग का, या फिर फ़ोटोशॉप का, या फिर वेब डिज़ाइनिंग का, या फिर प्रोग्रामिंग का। लेकिन अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे सबको ही पता होगा कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ये क्या करेगा, ये थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देगा और प्रैक्टिकल को साइड में ही कर देगा। प्रैक्टिकली हमको चीज़ें बहुत ही कम करने को मिलेगी। तो ये जो चीज़ है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है जो कंप्यूटर की दुनिया में स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि प्रोग्रामिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग। क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना, हमको ये सिर्फ कॉपी में लिखाई जाती है, ब्लैक बोर्ड के ज़रिए समझाई जाती है, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। हमको ये प्रैक्टिकली बहुत ही कम बार कराई जाती है। और हमारे पेरेंट्स को भी यही लगता है कि अगर तू ये किताबों वाली पढ़ाई करेगा तभी तो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। अब इन बातों को करते हैं हम साइड में और हम बात कर लेते हैं फ्रीलैंसिंग की। फ्रीलैंसिंग में आप ऑनलाइन, मतलब कि इंटरनेट पे कोई बंदा आपको मिलता है, वो आपको पैसे देता है और कहता है कि मेरे को ये काम करके दे, तो आप उसको काम करके देते हो और वो आपको पैसे देता है, तो इसको फ्रीलैंसिंग कहते हो। जो बंदा ये काम करता है उसको फ्रीलैंसर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को शायद से फ्रीलैंसिंग का पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हो गए जिनको काम नहीं मिल रहा होगा। तो काम कैसे आपको ढूंढना है उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको अपना बताऊं तो मैं एक वीडियो एडिटर हूं, और मेरा जो पहला टाइम आया था, मतलब जो पहला ऑर्डर आया था, उसी था यूएसए से आया था, और उसके मुझे 1400 रुपये मिले थे। और वो जो पहली अर्निंग बैंक के अंदर आई थी ना, उसको देख के इतनी खुशी हुई थी ना, आपको मैं बता नहीं सकता। और जो अगला ऑर्डर था वो मेरे को आया दिसंबर के अंदर, और वो जो ऑर्डर था वो बहुत ही बड़ा था, मेरे को 40 से 50 वीडियो एडिट करनी थी, और मेरे को उन वीडियोस के मिल रहे थे 13 से लेके 15 हज़ार रुपये तक। लेकिन मैंने सिर्फ 2 से लेके 4 हज़ार रुपये तक के बीच का ही काम किया अगले का, क्योंकि उसी महीने मेरे एग्ज़ाम्स भी थे सेमेस्टर वाले, तो मेरे को उसका काम छोड़ना पड़ा। बड़ा ही दुख लगा मेरे को, लेकिन एग्ज़ाम्स भी इम्पोर्टेंट थे। और इस महीने भी मेरे को काम मिला, मैंने वो भी किया, मेरे को उसका भी पैसा मिला। तो ये मैंने कैसे किया, ये मैंने किया फेसबुक की मदद से। तो जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपको फेसबुक के सर्च एरिया में जाना है, वहाँ पे जाके आपको अपनी पर्टिकुलर फील्ड के बारे में लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वीडियो एडिटर हो तो आपको लिख देना है वीडियो एडिटिंग। उसके बाद आपको ग्रुप्स वाले सेक्शन में जाना है, वहाँ पे जितने भी ग्रुप्स आपको देखेंगे आपको उनको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपको हर ग्रुप में पोस्ट करने के लिए एक अलग से, मतलब कि जगह दी जाती है, ऑप्शन दिया जाता है। तो आपको उस पोस्ट सेक्शन में जाना और वहाँ पे जाके लिख देना है कि अगर आपको मुझसे वीडियो एडिटिंग करानी है, प्रोग्रामिंग करानी, वेब डिज़ाइनिंग करानी है, जो भी आपकी फील्ड है उसके हिसाब से आप मुझे मैसेज कर दो, फिर कमेंट कर दो इस पोस्ट पे। और दोस्तों आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको उस पोस्ट के अंदर ये भी लिखना होगा कि मैं आपको कम रेट्स में काम करके दूंगा, मतलब कम पैसे में काम करके दूंगा, क्योंकि लोग उसको ही पकड़ते हैं जो कि कम पैसे में काम करके दे। अब जो दूसरा स्टेप है वो ये है, अगर तो आपने अभी तक किसी बंदे के लिए काम किया है, फिर अपने लिए भी काम किया है, अगर तो आप एक वीडियो एडिटर होना है तो आप अपनी किसी एडिट की हुई वीडियो का वहाँ पे लिंक डाल दो उस पोस्ट के अंदर, ताकि लोग देखें, उनको पसंद आए तो आपको, मतलब कि आपके पास आए कि मेरे को भी वीडियो एडिट करके दे। या फिर अगर आप प्रोग्रामर हो तो अपनी किसी एप्लीकेशन का लिंक डाल दो और वो देखेगा, जिसको भी, मतलब जो भी देखना चाहेगा और उसको अच्छी लगेगी तो वो आपके पास आएगा। तो ऐसे करके आप बंदों को, मतलब कि लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो कि वो आपके पास आए और आप, मतलब कि अपना काम आपसे कराए। तीसरा स्टेप ये है कि जिन ग्रुप्स को आपने फॉलो कर रखा ना, आप उन पे ध्यान रखो कि किसी ने पोस्ट तो नहीं किया कि मेरे को एक प्रोग्रामर चाहिए, मेरे को एक वीडियो एडिटर चाहिए, मेरे को एक वेब डिज़ाइनर चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको अपना बताऊँ ना, जिन मैंने वीडियो एडिटिंग वाले ग्रुप्स को फॉलो कर रखा ना, वहाँ पे कई बार बहुत सारे लोग पोस्ट करते रहते हैं कि मेरे को वीडियो एडिटिंग करवानी है। तो अगर आपको कोई ऐसी पोस्ट दिखती है तो इमीडिएटली उस बंदे को मैसेज करो, उसको कहो कि मैं तेरा काम करके दे सकता हूँ कम पैसों में, और उसको इम्प्रेस करने के लिए अपना कोई काम दिखाओ उसको कि हाँ भाई मैंने ये वाला काम किया है, ताकि वो आपसे काम करवाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं पैसे अर्न करने के लिए अपने टैलेंट के थ्रू, लेकिन मेरे को यही बेस्ट लगता है। बाकी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। आपको मैं ये भी कहना चाहता हूँ, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, यूट्यूब हो या फिर वीडियो एडिटिंग हो, कभी भी आप पैसों के पीछे मत भागना।
क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब पैसे आने बंद हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये तो यार मतलब कि ये तो गलत है यार, ये मेरे लिए बना ही नहीं है। तो जितने का भी आपको काम मिलेगा ना, चाहे वो 300 रुपये क्यों ना हो, आपको वो भी करना चाहिए, क्योंकि आपको उससे एक्सपीरियंस मिल रहा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में। तो बस ट्राई करो और अपने टैलेंट को इम्प्रूव करो, एक्सपीरियंस पाओ, और हर उस बंदे के मुंह को बंद कर दो जो ये कहता है पढ़ाई नहीं करेगा तो तू पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि ये बात बिल्कुल ही गलत है। और दोस्तों कमेंट में मुझे बताओ मैं सही हूँ या फिर गलत, आपके इस पे क्या विचार है, और हर उस बंदे के साथ शेयर करो जो कि ये कहता है कि पढ़ाई के बिना तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके अलावा इस चैनल को करो सब्सक्राइब, सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबा के उसके बाद दबाना बेल आइकन को, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। चलिए चलता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।